उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने आयोजित प्रेस से मिली कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पात्र किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। योजना के तहत किसानों को मामूली अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद ये पेंशन मिलेगी। कार्यक्रम में कृषि विभाग की योजनाओं पर बीते पौने 2 साल की उपलब्धियों को पत्रकारों के साथ साझा किया गया। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पात्र किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। योजना के तहत किसानों को मामूली अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद ये पेंशन मिलेगी। उपायुक्त आयोजित प्रेस से मिले कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में कृषि विभाग की योजनाओं पर बीते पौने 2 साल की उपलब्धियों को पत्रकारों के साथ साझा किया गया। कृषि विभाग मंडी के उपनिदेशक जीत सिंह ने विभाग की गतिविधियों से अवगत करवाया। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु वाला कोई भी सीमांत किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को आयु के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपए तथा अधिकतम 200 रुपए मासिक अंशदान देना होगा। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को लोकमित्र केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिले में शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। योजना के तहत जिले में वर्तमान वित्त वर्ष में 8,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 4,245 किसानों ने इस खेती को अपना लिया है तथा शेष लक्ष्य को भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। जिले में 233.44 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के अधीन लाया गया है। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में 91,177 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने जंगली जानवरों की उजाड़ के कारण किसानों बागवानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। अब तक जिले में योजना के तहत किसानों को 5.5 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जा चुकी है। योजना के तहत सामूहिक तौर पर सोलर बार लगाने के लिए सरकार ने 85% अनुदान का प्रावधान किया है। व्यक्तिगत स्तर पर खेतों की सोलर बाड़बंदी के लिए कुल लागत पर 80% सब्सिडी है। सरकार ने अब सोलर के साथ साथ कांटेदार तार लगवाने के काम को भी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत लाकर इसमें भी सब्सिडी का प्रावधान किया है। उपायुक्त ने कहा कि कृषि अभियांत्रिकी उपमिशन व राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम में किसानों को उन्नत किस्म के कृषि उपकरण मशीनें ट्रैक्टर और पावर टिलर पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। बीते पौने 2 साल में जिले में इन योजनाओं के तहत करीब 6 करोड़ रुपए व्यय कर 10,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। इसी क्रम में 3.50 करोड़ रुपए और व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले में अब तक 1,47,000 किसानों को निशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इस साल 6,816 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि सौर ऊर्जा सिंचाई योजना के अच्छे परिणामों को देखते हुए बड़ी संख्या में किसान इसे अपना रहे हैं। इसमें सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए जल को स्रोत से खेतों तक पहुँचाने का प्रावधान है। पिछले साल इस योजना पर 3.94 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस साल 3.15 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। योजना के तहत 85% सब्सिडी का प्रावधान है। उपायुक्त ने कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का जोर दिया ताकि बड़ी संख्या में किसान इनसे लाभान्वित हो सकें। लोग कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी व उनका लाभ लेने की प्रक्रिया जानने के लिए कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01905236926 पर फोन कर सकते हैं। इस मौके पर कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह, परियोजना निदेशक आत्मा शेर सिंह, जिला कृषि अधिकारी नवीन खोसला, भूमि संरक्षण अधिकारी नरेश कुमार बिशेबाद, विशेषज्ञ हितेंद्र सहित अन्य अधिकारी व मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज जो प्रेस से मिले कार्यक्रम यहाँ पर मंडी में आयोजित किया गया, इसमें कृषि विभाग के द्वारा की जानकारी जो है वो प्रेस से साझा की गई और प्रेस के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि जन जन तक ये जानकारी पहुँचेगी। कृषि विभाग द्वारा लगभग 20 के करीब योजनाएं
प्रदेश में चल रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे ताकि जिसको ज़रूरत पड़े उस तरीके से वो लाभ ले सके। जो 2-3 प्रायोरिटी प्रोग्राम्स सरकार ने चलाए हैं उसमें एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें कि पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो भी किसान 18 से 40 की आयु में है वो इस स्कीम के अंतर्गत कवर हो सकता है, और उनको जो प्रीमियम निर्धारित है अपने अपने एज के हिसाब से उनका प्रीमियम निर्धारित होता है, उसके बाद 60 साल के उपरांत उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हमारा लक्ष्य है, सरकार की ये प्रायोरिटी योजना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस ज़िले में कवर करना। साथ ही सरकार का जो एक और लक्ष्य है ज़ीरो बजट फार्मिंग का, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसमें पिछले साल से ये कार्य चला हुआ है और 2 साल में अब तक 233 हेक्टेयर भूमि मंडी में इस खेती के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत लाई गई है। आने वाले दिनों में इसको और बढ़ाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है और सभी विभाग के सभी अधिकारी इसमें बढ़ चढ़ कर अपना प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत हमारी खेती हो और जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्टिलाइज़र के बिना मार्केट में हमें मिले, स्वच्छ और अच्छा खाना सभी लोगों को मिल जाए, ये इसका लक्ष्य है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।